बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। आज मैं आपको 9th क्लास बायोलॉजी का जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। प्रीवियस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था सेल का और माइक्रोस्कोपी की कुछ टर्म्स वगैरह बताई थी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोप एंड इसका नाम क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं। फर्स्ट है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप और इसको हम जो है LM से भी एब्रीविएट करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे LM, राइट एंड टेल नोट ऑन LM, तो इसका क्या मतलब है कि आप लाइट माइक्रोस्कोप पर नोट लिखें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप बेसिकली, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। लाइक अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी बैक्टीरिया का कह लें, या प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो हर माइक्रोस्कोप की अपनी मैग्नीफिकेशन पावर होती है और रेजोल्यूशन पावर होती है। तो उसमें वो क्या करता है, नेकेड आई से जो आप लोग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते उसको जो है वो अपेरेंट करके दिखाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली भी यही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमाइन। इसके नेम से ही जाहिर होता है कि अगर माइक्रोस्कोप जो है विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर से पास आउट की जाए ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्पेसिमेन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के उस तरफ से, तो वो आपको क्या करेगा, क्लियर इमेज प्रोवाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर से, मतलब कि लाइट वगैरह अगर पास करवाई जाए तो आप उसका क्लियर इमेज देख सकते हैं। इसके अंदर दो तरह के ग्लास लेंसेज होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो है वो इनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को क्या करके दिखाता है, लार्ज करके दिखाता है जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है। एंड सेकंड क्या क्या है, मैग्नीफाइंस द इमेज, और उसको सेकंड क्या करता है, वो मैग्नीफाई करके दिखाता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखें, हमारे पास एक टर्म आती है इसके अंदर माइक्रोग्राफ, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप को जब लाइट वगैरह पास आउट होती है स्पेसिमेन में से, तो हम जब उसका एक इमेज लेते हैं तो उसमें जब कोई क्लिक किया जाता है, फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप के थ्रू जो क्लिक की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक है रेजोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ मैग्नीफिकेशन। तो अब हर माइक्रोस्कोप की अपनी रेजोल्यूशन पावर है और मैग्नीफिकेशन है। तो अगर देखा जाए लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है 1500x, ये आपने याद रखनी है MCQs के हवाले से भी, और वैसे भी ओवरऑल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता तो आप लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर। याद रखनी है मैग्नीफिकेशन क्या है इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की 1500x, एंड रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर। और 0.2 माइक्रोमीटर से जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। ये बात याद रखनी है कि दी ऑब्जेक्ट्स विच आर स्मॉलर देन 0.2, विच रेजोल्यूशन पावर इज स्मॉलेस्ट देन 0.2 माइक्रोमीटर, तो लाइट माइक्रोस्कोप उसको नहीं दिखा सकते हमें, लाइक बैक्टेरियम वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।